गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस विलियम कूपर्स फेमस पोएम ऑन द रिसिप्ट ऑफ माय मदर्स पिक्चर। आई एम रजनी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज रावतवाटा। पिछले वीडियो में हमने स्टार्टिंग की लाइन पढ़ी थी, जिसमें विलियम कूपर जो है अपनी मदर को, जिनकी डेथ हो चुकी है जब विलियम कूपर 6 ईयर के थे, और 58 ईयर्स के होने पर उन्हें उनकी कजिन है एन बॉडम, जिन्होंने उन्हें उनकी मदर की पिक्चर गिफ्ट की थी, उस पिक्चर को देख करके उनकी जो मदर की मेमोरी है वो फिर से उनके माइंड में रेन्यू हो गई, और वो उन्होंने उसी से इंस्पायर होकर के ये पोएम लिखी थी। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। माई मदर, व्हेन आई लर्न दैट दाओ वाज डेड, से वास्ट दाओ कॉन्शियस ऑफ टीयर्स आई शेड, होवर दाय स्प्रिट ओवर दाय सोरोइंग सन, रेस्ट इवन देन जर्नीज लाइफ जस्ट बिगुन। विलियम कूपर जो है बहुत ही पैशनेट पोइट है, तो उन्होंने जब अपनी मदर की पिक्चर देखी तो उन्हें उनकी मदर का जो प्रेम था वो उन्हें फिर से याद आ जाता है, कैसे उनकी मदर उनको प्रेम किया करती थी। तो पोइट जो है वो बोल रहा है कि जब मुझे पता चला, व्हेन आई लर्नड, जब मुझे पता चला दैट दाओ वास्ट डेड, कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है, से वास्ट दाओ कॉन्शियस ऑफ टीयर्स आई शेड, तो मैंने कितने आंसू बहाए होंगे, मतलब तुम्हारी मृत्यु पर मैं कितना रोया होऊंगा, रेस्ट इवन देन, उस समय मेरी बहुत बुरी कंडीशन हुई थी जबकि लाइफ्स जर्नी जस्ट बिगन, कि मेरे जीवन की जर्नी तो अभी अभी शुरू ही हुई थी, मतलब मेरा बचपन ही चल रहा था अभी तो, और उसमें ही मैंने तुम्हें खो दिया। Perhaps thou gave me, though unseen, a kiss. शायद तुमने मुझे दी होगी, जब मैं रो रहा था तुम्हारी मृत्यु पर, तो तुमने मुझे किस दिया होगा, लेकिन वो अनसीन था, मतलब तुम तो मर चुकी थी लेकिन तुम्हारी आत्मा थी, तो उसने शायद मुझे किस दिया होगा, लेकिन मैं उससे पहचान नहीं पाया। Perhaps a tear, if souls can be in bliss. और उस समय मैं तो तुम्हारी मृत्यु पर आंसू बहा रहा था, तो कि जो पोइट है वो इमेजिन कर रहा है कि शायद आत्माएं भी जो हैं बीप कर सकती, रो सकती दुख में, दैट मैटरनल स्माइल, और तुम्हारी वो मैटरनल स्माइल, ममता भरी मुस्कान, इफ इट आंसर्ड यस, जब तुमने मुझे किस किया होगा, तो वो उस समय वही तुम्हारी ममता भरी मुस्कान होगी तुम्हारे चेहरे पर। और पोइट पूछा कि तुमने मुझे किस किया था, तो जो आत्मा है वो यस में आंसर दे रही है। आई हर्ड द वेल टोल्ड ऑन द बरियल डे, मैंने उन वेल्स को सुना था, टोल्ड यानी रंग, तो मैंने उन टोल्स, उन घंटियों को सुना था तुम्हारे बरियल डे पर, बरियल डे जिस दिन उसकी माँ को दफनाया गया था, तो उन धीमी आवाज में बजने वाली घंटियों को मैंने सुना था। आई सा द हीयर्स दैट बोर दी स्लो अवे, मैंने उस हीयर्स को देखा था, हीयर्स वो लकड़ी की पेटी कफ जिसमें बॉडी को रख करके ले जाया जाता है, तो मैंने उस कफन को देखा था जो तुम्हें दूर ले जा रही थी धीरे धीरे, एंड टर्निंग फ्रॉम माय नर्सरीज विंडो, और वो दूर ले जा रही थी मेरी नर्सरी, मेरे जो रूम की जो विंडो थी
उससे, मैं विंडो से तुम्हें देख रहा था और धीरे धीरे लोग तुम्हें दूर ले जा रहे थे। ड्रू ए लॉन्ग लॉन्ग साय, और मैंने तुम्हें देख करके बहुत लंबी लंबी आह भरी थी, बहुत रोया था मैं तुम्हें जाते हुए देख कर। बेप्ड ए लास्ट अड्यू, और रोते हुए मैंने तुम्हें अंतिम विदाई के शब्द बोले थे। बट वॉज इट सच, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? इट वॉज वेयर दाओ आगोन, तुम कहाँ चली गई? ऑडियश एंड फेयरवेल्स आर ए साउंड अननोन। ऑडियस ऑन फेयरवेल, दोनों का मीनिंग जो है विदाई है, वो एक साउंड थी जो अननोन थी। मे आई बट मीट दी ऑन दैट पीसफुल शोर, लेकिन शायद मैं तुमसे उस पीसफुल जो शोर है, पीसफुल शोर आया हेवन के लिए, वहाँ पर तुमसे मिल सकूँगा। द पार्टिंग साउंड शेल पास माई लिप्स नो मोर, और मेरे लिप्स और ज़्यादा नहीं बोल पाए, मैं और कुछ नहीं कह सका तुम्हारी विदाई के टाइम। दाई मेडन्स ग्रीव्ड देम सेल्फ एट माई कंसर्न, और जो तुम्हारी मेडन्स थी, मेड सर्वेंट थी, वो मुझे संतावना देती थी दुखी होकर के, कि मुझे दुखी होकर के, मेरे दुख को देख करके वो बोलती थी कि तुम वापस आ जाओगी। ऑफन गेव मी ए प्रॉमिस ऑफ ए क्विक रिटर्न, वो मुझे एक प्रॉमिस करती थी कि तुम्हारी मदर जल्दी वापस आ जाएगी। वॉट आर्डेंटली आई विश्ड, और कितने मन से मैंने ये इच्छा करी थी कि तुम वापस आओगे। आई लॉन्ग बिलीव्ड, वो बहुत लंबे समय तक मैं यही विश्वास करता रहा कि तुम वापस आओगी। एंड डिसअपॉइंटेड स्टिल, कई बार बहुत निराश हुआ, हर बार जब भी मैंने आशा की कि तुम वापस आओगी, लेकिन फिर मुझे निराशा ही मिली। वाज स्टिल डिसीव्ड, और हर बार जब भी मैंने ये आशा की कि तुम वापस आओगी, हर बार मैं धोखा खाता रहा। वाई डिसअपॉइंटेड एवरी डे बिगवाइल्ड, और प्रत्येक दिन मैं धोखा खा करके निराश होता रहा। डूप ऑफ टुमारो इवन फ्रॉम ए चाइल्ड, दस मैनी इज सैड टुमारो केम एंड बेंट, क्योंकि मैं एक विक्टिम था किसका, ब्लाइंड फेथ का, एक अंधविश्वास का शिकार था, इवन फ्रॉम ए चाइल्ड, बचपन से ही, कि मेरी मदर वापस आएगी। दस मैनी सैड टुमारो केम एंड वेंट, इस प्रकार से कई टुमारो आए और चले गए। टिल ऑल माई स्टॉक ऑफ इन्फेंट सोरो स्पेंट, कब तक, जब तक कि मेरा जो स्टॉक है इन्फेंट का, बचपन का, बचपन के दुख का जो स्टॉक है, ख़त्म नहीं हो गया। आई लर्नड एट लास्ट सबमिशन टू माई लॉट, और मैंने जाना अंत में कि फिर मैंने अपने आप को भाग्य के ऊपर समर्पण कर दिया कि मेरे भाग्य में तुम नहीं थी, इसलिए तुम वापस नहीं आई। बट दो आई लेस डिप्लोर दी नेवर फॉरगॉट, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तुम्हें याद कर करके दुखी होता था। नेवर फॉरगॉट, लेकिन मैंने कभी तुम्हें भूला नहीं, हमेशा तुम्हें अपने जीवन में याद करता रहा, प्रत्येक दिन मैंने तुम्हें याद किया। वंस वी वर ड्वेल्ट आर नेम इज हर्ड नो मोर, एक पहले कभी जब हम कहीं उस घर में रहा करते थे, अब हमारा नाम वहाँ पर नहीं सुना जाता है। चिल्ड्रन नॉट दाइन हैव ट्रोड माई नर्सरी फ्लोर, और बच्चे अब जो हैं, दूसरे बच्चों ने अब मेरे नर्सरी रूम को अपने अधिकार में ले लिया है, मतलब कोई और लोग वहाँ रहने लग गए हैं, तो अब वो वहाँ पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया है। एंड वे आर द गार्डनर रॉबिन, और
पहले जब वहाँ पर गार्डनर रॉबिन रॉबिन रॉबर्ट का शॉर्ट रूप जो रॉबिन था वो प्रत्येक दिन डे बाय डे प्रत्येक दिन ड्रू मी टू स्कूल अलोंग द पब्लिक वे, वो मुझे ज़बरदस्ती खींच करके स्कूल ले जाता था पब्लिक रास्ते से मेरी इच्छा के विरुद्ध। मेरी इच्छा नहीं होती थी जाने की लेकिन वो मुझे हमेशा ही खींच करके ले जाता था। डिलाइटेड विद माई बबल क्लोज, और मैं खुश होता था कि मेरे जो बबल कोच था मतलब टॉय खिलौना था खिलौना गाड़ी वो उसको देख करके मैं खुश होता एंड रैप्ड इन ए स्कारलेट मेंटल बॉर्म, और एक ड्रेस्ड रहता था मैं एक लाल रंग के मेंटल में चोगे में, वो मुझे गर्म रखता था एंड बेलवेट कैप्ड, और बेलवेट की कैप हमेशा मेरे सिर पर रहती थी। इट्स नाउ बिकम ए हिस्ट्री लिटिल नोन, अब ये एक हिस्ट्री बन चुका है मतलब ये पहले की यादें बन चुकी है अब ये, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दैट वंस वी कॉल्ड द पेस्टल हाउस आर ओन, जिसे हम हमारा पेस्टल हाउस कहते थे। पेस्टल हाउस क्यों, क्योंकि ये एक पेस्टल एरिया में था, और दूसरी बात ये एक जो फादर होते हैं चर्च के उनका घर था, इसलिए यहाँ पर इसको पेस्टल हाउस बोला है। थैंक यू सो मच, आगे की लाइंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पोइट जो है इन लाइंस में बता रहा है कि उसकी मृत्यु जब उसकी मदर की मृत्यु हुई थी डेथ हुई थी तब वो कितना दुखी हुआ था, कैसे उन्होंने उनको फेयरवेल दिया था। आगे की लाइंस में हम जो पोइट है वो उनके और उनके मदर के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।